एवं पर्वोपास्तिम विधाय सूक्ष्मोपास्ति विधित्सया अष्टमी मृचम्मा। इस प्रकार तीन रूप बताता ना, पर रूप, सूक्ष्म रूप और स्थूल रूप। देवी का पर रूप क्या था? वह वास्तविक अभेद प्रणांतर पूजा आदि को लेकर के। दूसरा सूक्ष्म रूप है मंत्रमय, और स्थूल तो बाह्य है ही, चक्र आदि को लेकर करना। इसे पर रूप की उपासना का वर्णन हो गया, विधान करके वर्णन कर दिया। और सूक्ष्म रूप माने मंत्रमय देवी का उपासना के विधान करने की इच्छा से ये आठवीं नौवीं मंत्रों को आरंभ कर रहे हैं। कामो योनि कमलावज्रपाणिर् गोवा हसामातरिष्वाभ्यमिन्द्रः पुनर्गोहा सकला मायया च रुच्येषा विश्वमाता दिविद्या। कामो योनि कमलावज्रपाणिर्, काम से क लेंगे, योनि से ई लेंगे, कमला से एकार ले लेंगे। इस प्रकार से क ये लरिम बताने के लिए है कि नहीं? ये सब शब्दों का अर्थ बताएंगे नीचे विस्तार रूपेण, कैसे इनसे जो है क ये लरिम हस कहल सकल में मंत्र तैयार हो जाता, कादि विद्या का मंत्र है ये। पुरुचि ऐसा ऐसा आदि विद्या, सबसे पहली बात आदि विद्या है, ये विश्व माता है, जगत की जनित्री है। योगिनियों के हृदय में इस संप्रदाय अर्थ प्रकरण करते हुए सविस्तार वर्णन किए गए अनुसार जो है ये जो चीज है सदा ही पुरुचि, ये पुरुचि है, ये ऐसा पुरुचि मैंने पुरातनी है, पुरातन सनातन है, ये नित्या है कहने का था। यह पंचदशाक्षर मंत्र उद्धृत है, या पंचदशाक्षर मंत्र को उद्धृत करने जा रहे हैं। सच स्त्री देवत्वात् चिद्रूपत्वात् च विद्यापदेन उच्यते। और स्त्री है देवता है, पर देवी और चैतन्य रूपा भी है, इसलिए यहाँ इसको विद्या सबसे भी कहा जा रहा है। क्वचित तादृश्य वेद माता गायत्री कंठ रवेण पठित, कहीं कहीं पर ऐसी वेद माता को गायत्री इस शब्द के द्वारा भी स्वयं श्रुतियों ने कथन किया है। अस्यास्तु प्रत्यक्षरम तदवाचक पद मंत्रेण कतिपयाना निर्देशाद अतिरहसत्व मंत्रस्य। इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर को सीधे सीधे नहीं बोला क ये लरी, कुछ कुछ कहा, जैसे ह स दो बोल दिए, वहां स क ला तीन या बोल दिए, पांच तो सीधे अक्षरों को बता दिए, बाकी सब नामों के द्वारा अक्षरों को लक्षित कर। वही कहे तदवाचक पद मंत्रेण कतिपयन, तदवाचक पदों के बिना कुछ को केवल अक्षर ही सीधे सीधे निर्देश किया गया है, और कहीं बिना अक्षर नामों से निर्देश कर दिया। अति रहस्यत्व मंत्रस्य, ये इस बात को दिखाने के लिए कि यह मंत्र अत्यंत रहस्यपूर्ण है, जिस किसी को भी न दिया जाए इसे जान गिने तो सीधे बोल देती ये श्रुति, कहे लहरी सीधे बोल देती। तद्वारा तद अधिकारिक कर्मणांच तथा तुम ध्वनित, इसके माध्यम से इनके अधिकारी और इससे संबंधित कर्म सब कुछ अत्यंत रहस्यपूर्ण है, इस बात को ध्वनित कर दिया श्रुति ने। और क्या कहूं, किम होना गायत्री आदि विद्या उद्धारिका एवं, गायत्री आदि की अपेक्षा से भी ये आदि विद्या है, और गायत्री ही जब दिया जाता कान में फूंका जाता, खुल के माइक से नहीं बोल के दीक्षा दी जाती है, जो पर संस्कार होता है गायत्री मंत्र पे क्या करेगा आचार्य, गुरु को पिता को बोलेगा, पिता पुत्र के मुंह में फूकेगा, कान में सुनाना है धीमी धीमी, इधर बगल में माँ बैठी है उसको भी नहीं सुनाई देना चाहिए, इस नियम है इसका। ऊपर से कपड़ा भी डाल देते हैं हम लोग के वहां सबको ढक देते पूरा, आचार्य पिता और पुत्र तीन ही रहेंगे उसके अंदर ढके हुए, इधर सुनेगा पिता पहले जो कुल कुल गुरु होता है उसकी, फिर यहाँ के कान में मुंह पकड़ के बोल। जब गायत्री भी खुलम खुला बोल के दिया जाने वाला चीज नहीं है, सर्वसामान्य अधिकार वाली चीज
बच्चे बच्चे के अधिकार का चीज है, उसको भी इतना रहस्य पूर्ण रूपेण देने को कह रहे हैं, फिर इसके बारे में तो कहना ही क्या। ये तो अत्यंत ये इसका अभिप्राय है। किम भवना गायत्री आदि विद्या, गायत्री की अपेक्षा से भी आदि विद्या ये, इसीलिए यह अत्यंत रहस्यपूर्ण है। त्रिपुरा तापिनी स्पष्टम प्रदर्शित है, त्रिपुरा तापिनी में भी स्पष्ट इस विषय में कहा गया है। देवी भागवत के प्रथम श्लोकों भी एवमेव परिगृह्यति, देवी भागवत का पहला श्लोक में भी ऐसे बात का संकेत हुआ है। देखिए सर्वचैतन्य रूपां ताम आद्यां विद्यां च धीमहि वृद्धिं या न प्रचोदयात् इति। सर्वचैतन्य रूपा है वह आदि विद्या है, उसी को मैं ध्यान करता हूँ जो हमारी बुद्धि को प्रेरणा दिया करती है। अति रहस्यत्वादेव नाक चरणैक अवगमनीयो अयम मंत्र, कहने का तात्पर्य है यह अत्यंत रहस्यपूर्ण होने के नाते गुरु के मुख से ही प्राप्त करने योग्य है, समझो। नाक मने गुरु, चरणैक अवगमनीयो अयम मंत्र, गुरु चरण मने गुरुदेव के मुख से ही जानने योग्य मंत्रों का है। अब शब्दार्थ में आ रहे हैं, मातृश्वर कामा, पहला शब्द है कामा इस मंत्र में, और आगे जाकर मातृश्वर है द्वितीय पाद में। इन दोनों शब्दों के एक ही अर्थ है, चतुर्मुख वाचक अक्षर, चतुर्मुख मैने ब्रह्मा, ब्रह्मा मैने क, क इस अक्षर का वाचक है, और कमला और योनि ये दो शब्द क्या है, चतुर्थ एकाश स्वरों, कमला शब्द से चौथा स्वर, स्वर में चौथा कौन सा है, अ आ इ ई दीर्घी कार लेना, और चौथवा अक्षर कौन है, ये इसलिए क ए ई, तीन अक्षर आ गया कि नहीं आ गया। मातृश्वा कामशिस्त्र से हो गया, और इंद्र वज्रपाणी तृतीय मंत्र अंतस्थाक्षर, तीसरी जो अंतस्थ संज्ञक अक्षर यह वह ल र, ल तीसरा है, ल जो है आपका तीसरा अंतस्थ अक्षर है, उसको यहाँ पर बोल दिया इंद्र शब्द से और वज्रपाणी शब्द से। तो क ये ई ल टीम के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, गुहा, स्वयं करे गुहा और माया, ये तो जो शब्द आया मंत्र में, ये भुवनेश्वरी बीज, भुवनेश्वरी का बीज है ह्रीम है। अभ्रम तस्य एव आद्यम अक्षरम आकार, अभ्र शब्द से क्या लेना, उसी भुवनेश्वरी का बीज जो ह्रीम में आद्य अक्षर कौन है, हकार, उसको लेना चाहिए। इस तरह से सब आ गए, बचा पांच, ये दस अक्षर उसमें हो गए ना, तो मातृश्वर और कामा से दो, ठीक है, कमला और योनि से दो, चार, इंद्र वज्रपाणि से दो, छह, और गुहा माया शब्द से दो, आठ, अभ्र शब्द से एक, नौ, नौ हो गया, दस का एक और अक्षर कहाँ रह गया, नहीं गुहा दो बार आया ना, गुहा दो बार आया, गुहा दो बार आया, इसे तीन हो गया, गुहा माया सबसे दो नहीं लेना, गुहा माया सबसे तीन लेना, क्योंकि गुहा दो बार आया है, माया एक बार ना, पहले लेना वज्रपाणि गुहा और पुनर्गुहा सकल फिर माया, इधर कुल दस अक्षर हो गए इससे, और बचा पांच, तो पांच तो स्पष्ट खुद ही बोल दिया, ह स सकल, ये पांच अक्षर मंत्र में स्वयं कहा हुआ है। तो शेष पंचकम स्वरूपम स्वरूपति मंत्र ने कह दिया श्रुति ने, ऐसी पंचदशाक्षरी या जो ऐसा आदि विद्या पुरुची मैंने पुरातनी है, विश्वमाता मैंने जगत जनित्री भी है, विद्याक्षर जगत उत्पत्ति है, विद्या के अक्षरों के द्वारा ही जगत उत्पत्ति हुई है, इस बात को योगिनी हृदय नामक ग्रंथ में पढ़ लेना। योगिनी हृदय संप्रदायार्थ प्रकरण, संप्रदाय के अर्थ प्रकरण में सविस्तार वर्णन, सविस्तार वर्णन किया गया है, यदि पूर्व में आ चुका है ना, पूर्व भाषा में किस अक्षर से क्या सृष्टि पूरे 36 तत्वों की उत्पत्ति बता दिया था। मंत्रार्थस्तु दत्तात्रेय अगस्त्य आदि भी बो भी तंत्र भेदिन बहुधा उक्त, ये पंचदशाक्षर मंत्र के अर्थ को तो दत्तात्रेय संवाद में, अगस्त्य संवाद में अनेकों जगहों पर अनेकों के द्वारा तंत्र भेद के द्वारा वर्णन किया गया, बहुत प्रकार का वर्णन किया गया। सच अस्माभिर उन सबको संग्रह ने कहा गया वरवस्या रहस्य, ये जो क्रा का है, तो ये भास्कर रहा है,
ये बोल रहे हैं, इनका अपना कोई ग्रंथ है वरिवस्या रहस्य नाम का, उसमें सारा संग्रह किया है। यथावत संग्रह दर्शित, जैसे हमारे बुद्धि में देवी की प्रेरणा से आई है, उन सबको मैंने वहां दर्शा दिया है। तथेव अवगंतव्य, इसे उन्हीं दो ग्रंथों के द्वारा आपको सारी बात समझ लेनी चाहिए, योगिनी हृदय और वरिवस्या रहस्य। इस प्रकार से कार्य विद्या के मंत्र पूरा हो। अब हार्य विद्या का मंत्र बताने वाली नवी मंत्र दिशा आरंभ हो रही है। कामराज उपासिताम विद्या उपदिश्य, कामराज उपासित कार्य विद्या की उपदेश करके, लोपामुद्रा उपासिताम, लोपामुद्रा से प्रसिद्ध क्या है, हार्य विद्या, उसको जो विद्या उपदेष्ट नवमी मृचम्बा, उसके नवी ऋचा हम आरंभ करने जा रहे हैं। षष्ठम सप्तम माथ वन्य सारथिम अस्या मूल त्रिकमावेशयन्तः कथ्यम कविम कल्पकम कामम ईशं तुष्टवांसो अमृतत्वं भजन्ते। षष्ठम सप्तमम अथ वन्य सारथिम, जो कार्य विद्या में छठा है, सातवां है, और वन्निसारम कर दिया। वन्निसारम माने ई क ए ई, इन तीन के जगह पर वहां का जो छठा है ह स क, छठा सातवां आठवां, इनको बदलना, यहां पहले तीन के जगह पर उन तीन को लाना। तो पहले मंत्र का छठा सातवां आठवां है ह स क ह ल रिम है ना, उसे ह स क को यहां ले आओ, जहां क ये ही लिखा करते थे उसको हटा के उसको वहां ले जाओ, ह स क ल रिम क ये ई ह ल रिम ह स क ह ल रिम था, तो ह ल रिम ऐसे रह गया, ह स को यहां तीन को हटा के वहां ले गए, वहां का तीन को यहां ले आएगा, ह स क को आदि में ले जाओ और क ये ई को यहां ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ह स क ल रिम क ये ई ह ल रिम स क ल रिम, ये पंद्रह अक्षर, ये तीन को इधर को उधर करने मात्र से कादि आदि विद्या बनता है। षष्ठम सप्तमतवन निसारथिम, एक अस्या इसी विद्या की, इस आदि विद्या की मूल त्रिकम आवेशयन्ता, मूल त्रिक माने प्रथम कूट का जो तीन है उनको हटा करके उसके जगह पर ये द्वितीय कूट का जो तीन था इनको प्रवेश करा दो, द्वितीय कूट का तीन को प्रथम कूट में ले जाओ और प्रथम कूट का तीन को द्वितीय कूट में ले आना, ऐसे करने से करके जप करके ईशम उस ईश को, कैसा ईश है वो, कहते हैं कल्पकम कविम कथ्यम, ये सब उसी का विशेषण, कामम शिव को काम कहते हैं, काम कला शक्ति को कला कहते हैं, जैसे कामम क्योंकि कामना वही कर स्व काम है था कहेंगे, ऐसा वह ईश है कामना करता है कल्पना करता है कथन करता है और कवि है क्रांतिदर्शी है वेद का प्रणेता है, ऐसा उस ईशम तुष्टवांसो इस हादि विद्या की दृष्टि करते हुए अमृतत्वं भजन्ते, जो उपासक वह अमृतत्व को ही प्राप्त कर लेता है। शब्दार्थ किया भाष्कर, अस्या एव विद्याया, अस्या कर दिया विद्याया, अस्या एव इसी कार्य विद्या को, पंचदशाक्षर विद्या को, आदि विद्या को हादि बना करके पढ़ना चाहते, कादि को हादि बना करके पाठ करना चाहते, जप करना चाहता है कोई, उसके लिए बता रही विधि मूल त्रिकम प्राथिकम अक्षरत्रयम, पहली जो तीन अक्षर क ये ई, इनको क्या करना, उन्मूल्य वहां से उखाड़ो निकालो वहां से किसी शेषा तत्स्थाने, और उसके स्थान में क्या करना, षष्ठादि वर्णत्रयमेव छठा सातवां आठवां, जो कादि विद्या में ही छठा सातवां आठवां था उसको निकाल के लाओ, निवेश यंतो उसको उखाड़ के इसको वहां निवेश कर दिया, और जहां से इसको उखाड़ा उसे जगह पर उन तीन को निवेश कर दो, इस परस्पर तीन का आगे पीछे कर लिया आपने। जाप का कौन करेगा, ऐसे जब करने वाले विद्या द्वय अन्यतरेना, इन दो विद्याओं में से किसी विद्या को पकड़े, ये श्रेष्ठ वो श्रेष्ठ, ऐसे कोई लेन देन नहीं है, किसी विद्या के द्वारा
किसी भी एक विद्या दो में से किसी के भी द्वारा संशुद्ध सप्तोपाधिकम शुद्धम तत्करण वाले होकर के आप क्या करें, ईशम। ईशम की व्याख्या है परशिवम, ये ईशम छपी नहीं है गलती से, ईशम छाप लो, उसकी व्याख्या छाप दिया इन्होंने परशिवम। तुष्टवांस निस्तवंतो उसकी स्तुति करते हुए जपते हुए इत्यर्थ जपंत अमृतत्व भजन्ते, अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। विद्या जपेन मोक्षम भावे इत्यर्थ कहने का तरह विधि हो गया एक तरह से, इस आदि विद्या जप द्वारा कार्य विद्या जप द्वारा अर्थात आदि विद्या जप द्वारा मोक्ष की भावना करें। उसी ईशम की विशेषष्टि, उस ईश्वर को विशेषण दिया जा रहा है ईशम विशेषष्टि। क्या क्या विशेषण है, कामम, क्यों उसका नाम कामम पड़ गया, सो अकाम है तो भूस्याम प्रजाति श्रुति प्रतिपादित्वेन ईक्षत्यधिकरणे निर्णीतम, वह कामना किया मैं बहुत हो जाऊं, इस प्रकार से श्रुति प्रतिपाद्य है उसके नाम काम। इस बात को ईक्षत्यधिकरण, ब्रह्म सूत्र में ईक्षत्यधिकरण आता है, ईक्षतेरा शब्दात उसके अंदर निर्णय दिया गया है वह ईश्वरी काम है। और क्या है वह, कल्पकम, कल्पन्त्यस्मिन् कल्पकम मन अधिष्ठान है वो, जगत कल्पना का अधिष्ठान, जगत कल्पना अधिष्ठान जन्माद्यधिकरणोक्तम, जगत कल्पना का अधिष्ठान वो ब्रह्म है, आत्मा है, वही जल शक्ति है, देवी है। यह बात को कहाँ कहा, जन्माद्यधिकरण ब्रह्म सूत्र का दूसरा जन्माद्यस्य यतः इक्षते ना शब्दम, ये जो चीज भी है एक चार एक एक पांच में इक्षत अधिकरण एक एक पांचवा और एक एक दो है ये जन्माद्यस्य यतः। इतने कवि वेद प्रणेतारम, वेद का प्रणेता है वो, कथ्याम माने वेद के वेद भी वही है, शास्त्रीय निधिकरण वर्णकद्वयेन उक्तम, शास्त्रीय निधिकरण में शास्त्र सूत्र है एक एक तीन, तीसरा अधिकरण है ब्रह्म सूत्र का एक एक तीन है, शास्त्र का योनि है माने शास्त्र के उद्भव का कारण है एक अर्थ लिया, दूसरा शास्त्री है एकमात्र योनि माने साधन जानने का, जो उस तत्व का नाम ब्रह्म तत्व ऐसा तत्व है जिसको जानने के एकमात्र साधन शास्त्र, शास्त्रम योनि साधनम यस्य बहुवचन समास, शास्त्रस्य योनि षष्ठी तत्व समास है, शास्त्रम योनि यस्य दोनों, इसे वर्णक द्वय कर दिया, दो तरह से वर्णन हुआ, दोनों प्रकार के वर्णन के द्वारा निर्णय कर दिया ब्रह्म परम ब्रह्म इति तो विशेषण समर्पित अर्थ अपर ब्रह्म ही है, यही विशेषणों से निश्चय हो गया। कथ्यम कविम कल्पकम कामम इन चारों विशेषणों के द्वारा सिद्ध हो गया वह ईश शब्द से जो परम शिव है जो पराशक्ति है वह ब्रह्म ही है। इतने पहले भी हो चुका है अजरा पुराण इत्यादि भी ब्रह्मलिंग पुल्लिंग वक्षमाण काम कला ध्यानगत स्त्रीलिंग पर देवताया त्रिविधम ध्यानम विहितम भवति, कहीं पर अजरा पुराण इत्यादि के शब्दों के द्वारा ब्रह्म के बोधक शब्दों के द्वारा विस्तार रूपेण कहा गया है, कहीं पुल्लिंग के वाचक शब्दों से कहा, कहीं नपुंसलिंग वाचक शब्दों से कहा, और कामकला ध्यान आदि अनेक ग्रंथों में स्त्रीलिंग वाचक शब्दों से उस पर देवता के रूप में कहा गया है। इसलिए त्रिविधम ध्यान विहितम भवति, तीन प्रकार से उस चैतन्य का ध्यान का वर्णन हुआ, तथा चौपरहितम कुलालय इस बात को उद्धृत कर कथन किया है संग्रह करके कुलार्णव नामक ग्रंथ में। क्या है, पुम रूपां वा स्मरेत देवीं स्त्री रूपां वा विचिन्तयेत् अथवा निष्कलं ध्यायेत् सच्चिदानंद लक्षणम्। पुम रूपां वा स्मरेत देवीं, उस देवी को पुरुष रूप में भी आप चिंतन कर सकते हो, स्त्री रूपां वा विचिन्तयेत् या स्त्री रूपेण उस चैतन्य शक्ति को देख सकते हो, अथवा निष्कलं ध्याय न पुरुष न स्त्री, निष्कल ध्यान कर दो, निर्गुण ध्यान कर दो। इस प्रकार से सच्चिदान लक्षणम निष्कलम वा ध्याये, यद्यपि परोपास्तो निष्कलम जपेत उम रूपम बहिर्यागे स्त्री रूपम अध्ययमिति व्यवस्था, यद्यपि परोपासना में निष्कल होता है और अंतर्याग में जपेत उम रूपम, परोपास्तो निष्कलम और पुमरूपम जपे और बहिर्याग में स्त्री रूपम ध्येयम, बहिर्याग में स्त्री रूप से ध्यान करें कौमा होनी चाहिए,
निष्कलम के बाद, परोपास्थि में हमेशा निष्कल होता है और सूक्ष्म में उम्रूपता को लिया जाता है, हमेशा जप में उम्रूपता को लिया जाता है, इसलिए जपेत उम्रूपम, जपेत उम्रूपम बोलना। परोपास्थो निष्कलम एक हो गया, जपेत उम्रूपम दो हो गया, और स्त्रीरूप कहाँ लेना है, बहिर्यवस्त्रूपम अध्ययम इति व्यवस्था सुवचा। यह व्यवस्था अत्यंत सुंदर कथन के द्वारा बताया गया है। यद्यपि ऐसी व्यवस्था बताई गई, यद्यपि कह रहे यद्यपि ऐसी बात बताई गई है, तथापि फिर भी वास्तव में स्त्रीम और पुम में कोई भेद ही नहीं है। ये तो एक हमारी चिंतन करने की, जिसको जो अच्छा लगे वो कल्पना कर लो, वो रूप अध्ययन कर लो। स्त्री पुंस सम प्राधान्य, क्योंकि पहले बता चुके शिव और शक्ति फल देने भी समान है, सब कुछ में समान बता चुके हैं। वक्ष्यमाणतया और आदि के मंत्रों में भी कहे जाने वाले संप्रदाय ऐच्छिक एव विकल्प, इसलिए अपने अपने संप्रदाय के अनुसार यह विकल्प ऐच्छिक है। कोई नियम नहीं है कि जो है परोपासना में निष्कली करो, है कि नहीं, और सूक्ष्म उपासना के लिए जप में उम्रपता ही लो, बैराग रूपा में त्रिरूपता ही लेना, यह कोई नियम नहीं है। कोई भी चीज कहीं भी नहीं जा सकते, अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से निर्णय लेना। मनुचंद्राद्युपासित विद्यानाम अन्यासाम अपि त्रिपुरा तापिन्यम उद्धार दर्शने अपि प्रकृत है। अरे देखो मनु चंद्र आदियों के द्वारा भी देवी की उपासना अलग अलग प्रकार से की गई है, अनेकों प्रकार की विद्याएं, दशमा विद्याएं बताई जाती, वैसे भी प्रसिद्ध दशमा विद्या। ये आदि विद्या तो आदि विद्या है, उसके अलावा जितनी विद्याएं दस या अनंत विद्युण हो वो सब इसी में समावेश हो जाएगा, इसे बाहर कुछ नहीं। त्रिपुरा तापिनी में भी वर्णन हुआ है उद्धार दर्शन अध्याय में, प्रकृति द्वयोरेव उद्धार, वास्तव में इस प्रकृति में ये दो ही प्रकार का जो कादि आदि बताई गई है, इसी में सब जितनी भी प्रकार की विद्याएं कल्पना करो सारी की सारी विद्याएं इसी दो में है। द्वयोरेव उद्धार तासु अन्योर आधिक्य ध्वनार्थ, तासु अन्यो उन सभीयों में से भी, जैसे अनंत आनंद विद्याएं क्यों ना मना लो, उन सभीयों में ये दो विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को ध्वनित करने के लिए इस उपनिषद दो मंत्रों से इन दो प्रकार के कादि आदि पंचदशाक्षरी वर्णन किया गया है। अतएव ज्ञानार्णव द्वादशधा विद्या उद्धृत्य, और ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ में तो बारह प्रमुख विद्याएं वर्णन की गई है। विद्या द्विविधं भद्रे देवानामपि दुर्लभम, बारह प्रकार विद्या बताते बताते अंत में क्या बोलते हैं, अरे विद्या में दो विद्या ऐसा है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, खादी और इत्यादि उपनिषदां अन्योर अपि मध्य, इन दोनों के बीच में से भी पहला यह कादि को रख दिया ना आठवें में, इसलिए कादि विद्या हादि से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, कुछ ऐसा कल्पना करते हैं, पहला मंत्र बोल दिया इसीलिए। अतएव कर इसलिए कह दिया किसी ने कि भाई अन्योर अपि मध्य कादि विद्या प्रथम उद्धाराद आधिक्य ध्वनि, वही श्रेष्ठ ज्यादा श्रेष्ठ है ऐसा ध्वनित हुआ। अतएव श्री विद्यैव तु मंत्राणां पत्रकादि यथा परा इति ब्रह्मांड पुराण उपबृहितम्, श्री विद्या ही मंत्रों में उसमें भी कादि यथा परा, कादि जैसा सर्वश्रेष्ठ है वैसा और कोई नहीं है, इस तरह से ब्रह्मांड पुराण भी प्रशंसा पर कथन किया है। वस्तुतः इन वास्तव में कादि आदि में कोई फर्क नहीं है, सर्वासा विद्या नाम अभेदात तारतम्योक्ति प्रशंसा मात्रम, ना सकल विद्याओं का अभेद इस दो में ही है, और इन दोनों का भी प्रसर अभेद एक ही विद्या श्री विद्या नाम आदि विद्या नाम, इसीलिए वह सकल विद्याओं के साथ अभेद उतर एक ही होने के कारण से ये जो तारतम्यता का जो कथन हुआ ये सब केवल स्तुति मात्र प्रशंसा मात्र, ये समर्थितम कहा सेतु बंध अस्मादि, इनकी जो था सेतु बंध नामक टीका में प्रारण तंत्र धन स्पर्शा थी सेतु बंध टीका, ये इन्हें वामकेश्वर तंत्र पर, वामकेश्वर तंत्र पर इनका सेतु बंध टीका है, उसमें इन्होंने विस्तार पर समझा। भास्कर राय की टीका बहुत चीजों पर है, बहुत ग्रंथों पर लिखा है इन्होंने, सौंदर्य लहरी पर भी है, सभी ग्रंथों पर है, सरस्वती पर भी है, इनका कई जगह कर दिया है।
बहुत ही देवी का परम भक्त रहे हैं और क्रिया पर बहिर्याग में ज्यादा इनकी कर्मठ है, बहिर्याग बड़ी निष्ठा, इसे बहिर्याग पर की ज्यादा प्रतिपादन करते और उसके लिए चित्रीचर को बातें ज्यादा विस्तार करते प्रयोग पर ज्यादा। अतएव श्रीमद आचार्य भगवत पादैर वैपरीत्येन योर उद्धार प्रदर्शित, इसलिए जानबूझकर जो है जगद्गुरु आदि शंकराचार्य जी ने क्या किया, अपने सौंदर्य लहरी में पहला हादि विद्या लिया, बाद में कादि विद्या, इसका विपरीत क्रम से कादि हादि को विपरीत क्रम से हादि कादि के रूप में प्राप्त कर दिया। कहां? सौंदर्य लहरियां। तत्रापि प्रकृत श्रुत्यानुगुण्याय शिवशक्ति कामपदानां च अन्यथा व्याख्यानम कतिपयानां तिष्ठत्वात् निरर्थकत्वात् च नादर्थव्य। कुछ लोगों ने इस प्रकृत श्रुति के अनुगुण अनुरूप शिव शक्ति काम पदानांच शिव का शक्ति और काम इन पदों का अन्यथा व्याख्यान अन्य प्रकार से व्याख्यान कर दिया। कतिपय नाम क्लिष्टत्वात् लेकिन अत्यंत क्लिष्ट होने के नाते निरर्थक भी है, इसे उनका आदर नहीं करनी चाहिए। अत्र अंतर्यागस्य इव प्रकरणित्वेन तदीय द्रव्यानुवादेन गुणांतर समुच्चयस्य द्वादश्यां रुचि विधास्यमानत्वेन प्रकरणानुवृत्तेर वक्तव्यतया तन्मध्य परितस्य जपस्य प्रकरणी अंतर्यागांगत्वा। कहते कि भाई अंतर्याग के समान प्रकरण को देखते हुए तदीय द्रव्यानुवादेन उस बहिर्याग के द्रव्यों का कथन करते हुए बारहवें मंत्र में बताने वाले हैं दारुवादी भी है ना, इसे गुणांतर गुणांतर में मध्यादि का गुणांतर मैंने तात्पर्य वस्तुअंतर जो पूजा के लिए जरूरी है उनका समुच्चय करने वाले हैं। कहाँ? बारहवीं ऋचा में विधान करने वाले हैं, इसलिए प्रकरण अनुवृत्त एक ही प्रकरण होने के नाते अनुवृत्त वक्तव्यतया तन मध्य पृथ्वी से बीच में आया हुआ यह जो जप है यह भी प्रकरणी अंतर्याग अंगत्वात् अंतर्याग भी उस बहिर्याग का अंग हो जाता है। कहने का मतलब है बहिर्याग करने वाले को जप नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, बहिर्याग करने वाले को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसको जप भी करना पड़ेगा ध्यान भी करना पड़ेगा निर्गुण ध्यान निष्कल ध्यान, और बहिर्याग छूटता है केवल अंतर्याग और निष्कल ध्यान रह जाता है मध्यम कोटि के अधिकारी, और उस अंतर्याग भी छूट करके केवल निष्कल का ही ध्यान उच्च कोटि के अधिकारी में जाता है। इसे नहीं कि वो करेगा इसको ये करेगा मैंने तीनों कोई करेगा ही नहीं एक साथ, ऐसा नहीं होता, अधिकारी के लिए तीनों करना पड़ेगा, इसलिए ये भी उसका अंग हो गया। एक अमृतम भजन्ते इति अपाय श्लोक श्रवण अपाप श्लोक श्रवण अपाप बनाओ क्योंकि अपाप है वो कर्मकांड मीमांसा दर्शन कर ले रहे हैं। यहां एक नंबर दो नंबर टिप्पण आ रहा है अमृतम भजन जी अपाप श्लोक श्रवण अर्थवाद स्यात् अपाप श्लोक श्रवण जैसा आपने अर्थवाद माना वैसे यहां पर अमृतम भजन्ते भी अर्थवाद मात्र ही है। कौन सा मंत्र जहां सुना है उसको नीचे देंगे एक नंबर टिप्पण प्रणमयी अधिकरण चार तीन एक जैमिनी का जैमिनी का है जैमिनी सूत्रों का चौथा अध्याय तीसरे बाद पहला अधिकरण है प्रणमयी अधिकरण वहां की युक्ति के आधार पर हम कह रहे हैं। क्या युक्ति है? यस्य प्रणमयी जोर भवती न स पापम श्लोकम श्रृणोती ऐसे वैकंठी जूर बहुत ऐसे अलग अलग फल बता दिया जिसने प्रणमयी जू बना लिया मतलब पलाश के पेड़ के लकड़ी से जू पात्र बना करके स्वाहा करता है उसको जिंदगी में कभी पाप मैंने आप यश सुनना नहीं पड़ेगा उसकी बदनामी कभी नहीं कोई पर आरोप नहीं लगेगा वो बदनाम कभी नहीं होगा। ऐसे वहां जो कहा गया वो पापम सुगम नष्ट होती वो अर्थवाद है क्योंकि याग का मुख्य फल अलग है और याग के फल तो है नहीं और यहाँ भी याग में जू पात्र प्रयोग होता है उस जू को यदि अमुक लकड़ी से बनाओगे ये फल मिलेगा अमुक लकड़ी बनाओगे ये फल मिलेगा चार प्रकार की लकड़ियों का वर्णन करके चार अलग अलग फल बता तो वहां निर्णय लिया याग का अन्य फल मुख्य होने के नाते ये जो फल बताया जा रहा है केवल प्रशंसा मात्र के लिए तद्वत यहाँ पर भी अमृत मने मोक्ष मिल जाएगा ऐसा तो नहीं करना ये प्रशंसा मात्र आदि विद्या कादि विद्या कोई भी जाप करेंगे इसे सीधे मुक्ति मिलेगी ऐसा कभी नहीं सोच देगी उसकी मर्जी है देना
लेकिन जब से मिलेगा ये गलत है। सोचो जब से अंतरण शुद्ध होगा, अंतरण शुद्ध देवी प्रसन्न होगी, देवी प्रसन्न आपको ज्ञान दे देगी, ज्ञान देकर मुक्त कर देगी, बात अलग। लेकिन ज्ञान से ही मुक्ति होगा, इनसे नहीं होगा, अंतर्याग आदि से नहीं। ठीक, इसलिए इन्होंने इसको अर्थवाद फर्क ले लिया। इतना ही नहीं, मंत्रत्व भी, फिर आपने विधि कैसे कह दिया, आदि विद्या की विधि, आदि विद्या की विधि है यहाँ, अरे मंत्र है, मंत्र तो विधि नहीं हो सकता। तब कहते हैं विधि विधित्वस्य इव अर्थवादत्वस्य अपि स्वीकारे बाघ का भवान। मंत्र होते हुए भी उसको जैसा विधि करके स्वीकार कर लेते हो, उसी प्रकार से यह मंत्र के अंदर एक हिस्सा अर्थवाद भी हो गए, कोई आपत्ति नहीं होगा। जैसे कि अन्यत्र हुआ है, मीमांसा दर्शन के एक और दे रहे हैं, कपिंजलाधिकरण न्याय, कपिंजलान आलभेत इत्यस्य मंत्रत्वपि, दो नंबर टिप्पण पढ़ रहा हूँ, यथा विधित्वम स्वीकृतम तथा इत्यर्थः। जैसे वहां पर मंत्र होता हो भी उसको विधि मान लिया गया, इसे यहां मंत्र होता हो भी इसको अर्थवाद मानने कोई आपत्ति नहीं। तीसरा पुरैत्यादेश तो अंतर्याग विधि शेषत्व भी ना अर्थवाद। कहते फिर पहला से लेकर अभी तक सारे मंत्र अर्थवादी है क्या? कहते ना ना ना, पहला तो देवी का स्वरूप वर्णन करने जा रहे, मतलब स्वरूप वर्णन करने से वो अर्थवाद मत मानो। तीसरा पुरैत्यादे अंतर्याग विधि शेषत्व भी, अंतर्याग विधि का हिस्सा होने पर भी न अर्थवादत्व, वो अर्थवाद नहीं है। क्यों? विधि शेषत्व से अर्थवाद व्याप्यत्व माना भावात्, हमेशा किसी के भी विधि के संबद्ध वाक्यों को, सभी वाक्यों को अर्थवाद मानने में किसी भी दर्शन में कोई प्रमाण नहीं है। और ये मान भी रहेगा अर्थवाद कि देव का स्वरूप कथन है, जैसे आत्मा स्वरूप, आत्मा का स्वरूप कथन करने वालों को आप भूतार्थवाद कह देते हो। भूतार्थ माने सिद्ध वस्तु को कथन करना, क्रिया को कथन नहीं करना। यहाँ देवी के स्वरूप सिद्ध वस्तु का कथन हो रहा है ना, यह अर्थवाद मानो इसको, कहते कोई आपत्ति नहीं। फिर भी अर्थवादित्व वा भूतार्थवादित्व स्वार्थ प्रमाण है, भूतार्थवाद होने से तब ये स्वार्थ में प्रामाणिक हो जाएगा। नच द्वादश्याम रुचि स्थूलोपास्तिर भिन्ना एव, और ये भी नहीं कहना जो स्थूल उपासना है, बहिर्याग है, बहिर्याग रूपा है, वो अलग ही है। इतना वाच्य द्वादश्याम रुचि स्थूलोपास्तिर भिन्ना एव बहिर्याग रूपा विदिति न वाच्य। तथापि पंचदश्याम रुचि, पंद्रहवीं ऋचा में क्या जाकर कह रहे हैं, मधु धातु का प्रयोग किया, मदंती कहता ना, मदंती का अर्थ करते आनंद करती है। तो वहां पर मध धातु अर्थ विवरण है ना, उपसंहार दर्शन प्रकरण अनुवृत्तेर दुर्वारत्वात्, पूरे का पूरे 16 मंत्र का एक ही प्रकरण ऐसे मालूम होता। यानी कि पहले से 5 तक क्या नहीं, 7 तक अलग प्रकरण बना लो, 8 से 11 तक अलग प्रकरण बना लो, 12 से अंत अलग प्रकरण है। पहला प्रकरण उत्कृष्ट अधिकारी, बीच वाला मध्यम अधिकारी, अंत वाला मंदाधिकारी, ऐसे यहाँ विभाजन नहीं, पूरा 16 मंत्र का एक प्रकरण है। इसके अंदर 3 प्रकरण विभाजन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उपसंहार को देखने से स्पष्ट हो रहा है प्रकरण की अनुवृत्ति हो रही है यहाँ, ऐसा मालूम होता है। वस्तुतः उपासित त्रय से समप्राधान्य में वह, वास्तव में यह भी है तीनों ही उपासना समान प्रधानता रखते अपने अपने जगह पर। ये घटिया वो बढ़िया ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया घटिया नहीं होता कोई उपासना। अधिकारी भेद से कह दिया जा रहा है, इसकी निंदा स्तुति भी कर देते हैं अधिकारी भेद से, नीचे के निंदा करेंगे ऊपर वाली स्तुति होती है। इसलिए ये नहीं कि वो घटिया हो गया, निंदा करने का तात्पर्य घटियापन में नहीं है, या उसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, त्यागना चाहिए, उस अर्थ के लिए नहीं। इसकी निंदा होती है वो दूसरे की स्तुति मात्र के लिए किया गया, तो वास्तव में समप्रधानता है। विधि त्रय भी फलश्रवण है ना, तीनों विधियों में फल का श्रवण होने के नाते अन्य तमस्य प्रकरणिक कल्पने, किसी एक कोई प्रकरणिकर कल्पना करने में विनिगमना विरहात, कोई एक तरफ पक्षपात नियुक्ति हमारे पास नहीं है। जैसे अलग अलग प्रकरण में जैसा लगता है, दश पूर्णमासिया क्या होता है, तीन याग पूर्णिमा का दिन किया जाता है, तीन याग अमावस्या के दिन किया जाता है, बीच में 14 दिन कुछ नहीं किया, इतना गैप है, बीच व्यवधान है, फिर उसको अव्यवहित मान लिया एक फल के संबंध में। वैसे यहाँ भले तीन अलग अलग बोल रहे हैं, फिर भी ये तीनों वास्तव में अव्यवहित ही समझ लेना चाहिए। आग्नेय आदि शतकस्य एव है ना, आग्नेय आदि
छह यागों के समान मिलिता नाम एवच छह मिलकर की फल का जनक होता है, फल जनकत्व भवति। नीचे टिप्पण नंबर एक, दर्श पूर्णमासयो प्रतिपर्वम त्रयो यागा प्रधान भूता वेता। दर्श पूर्णमास के प्रत्येक पर्व माने पूर्णिमा और अमावस्या के लिए तीन तीन यागों का, प्रधान भूत यागों का वर्णन हुआ, गौण भूत नहीं। आग्ने उपांश याज अग्निशोम्य पूर्णाशीति पूर्णमास्याम, एक आग्नेय है न कॉमन ही है, एक का नाम आग्नेय है, दूसरा का नाम उपांश याज, तीसरे का नाम अग्निशोम्य पूर्णाशीति पूर्णमासी के दिन है। फिर यहाँ कहीं भी कॉमन नहीं है, आग्नेय है एक, ऐंद्रम दधि दो, ऐंद्रम पयाय तीन, ये तीनों कहाँ कहा ये इति अमावास्यायाम। ये देशाम षण्णाम मिलिता नाम ये छो याग जब कर लोगे मिल कर गई दर्श पूर्णमासाभ्यम सुरकम यदि अधिकार वाक्य ने इस अधिकार विधि वाक्य से फलजनकत्व उच्यते, फलजनक कहा गया था तथा उपासित से मिलितस्य फलजनकत्व इत्यर्थः। तीनों प्रकार की उपासना, निष्कल उपासना, कुमरूपा उपासना, श्रीरूपा उपासना, तीनों मिला लो या परा सूक्ष्मा थूला उपासना है, बहिर्याग अंतर्याग और निर्गुण ध्यान, अनेक नामों से कहा गया तीन तीन प्रकार से, इनको इनकी जो एक साथ ही मिलकर के ये फल देंगे। अंतर्याग बहिर्याग गृहस्थ सर्वदा आचरेत चक्र राजार्चन विद्या जपो नामनांच कीर्तनम भक्त से कृतम एतावद अन्यभ्योदयम विदोहो। अंतर्याग बहिर्याग ये तो गृहस्थ सर्वदा आचरित, सर्वदा इसकी आचरण करनी चाहिए। चक्रराज अर्चनम विद्या जपो नामनांच कीर्तनम भक्तस्य, भक्त को तीनों काम करने पड़ेंगे, चक्रराज का अर्चना, विद्या का मंत्र का जप और नाम का संकीर्तन, ललिता सहस्र नाम का पाठ, ये भी भक्त को करना चाहिए। कृत्यम एतावद अन्य अभ्युदयम विदोह, और इससे अन्य जो भी है वह सब अभ्युदय ही है, धर्म पर ही होगा, धर्म ही होगा इत्यादि वचन। अधिकारी विशेषण तो केवल अंतर्याग जप यो फलजनकत्वं तो वचना, अधिकारी विशेष के द्वारा केवल अंतर्याग और जप का जो कथन हुआ है वह फलजनकत्वं तो वचनादेव विधि के बल पर वह भी फल को जरूर पैदा करेगा। जैसे असोमयाजिनो अग्निशोमि पुरडाश साहित्य भावे भी फल सिद्धिवद इत्यादिकम न्याय विद्भिद ऊह्या। जैसे मीमांसा का बात कह दिया, जैसे एक याग कह दे, पहले कह देते हैं अमुक याग नहीं करोगे कोई भी कर्म का फल नहीं मिलेगा, ये कह देते हैं। फिर दूसरा विधि आती है भाई अमुक ना भी करोगे इतने कर लो तो भी फल मिलेगा, कह दिया। दोनों विधि है, विधि की वजह से दोनों बात माननी पड़ेगी। इधर यहाँ पर भी है तीनों करना ही चाहिए ये भी बात है, और दो कर लोगे तो भी फल मिलेगा ये भी कह रही है, इसीलिए उसको भी मान जा सकता। करने वाले के ऊपर विकल्प सामने आ जाता है। नीचे दिए आग्नियो वही ब्राह्मणो देवतया स सोमेन इष्ट्वा अग्निशोम्यो भवती इति वाक्य। असोम याजिनो, असोभव गया म बना, असोम याजिनो अग्निशोम पुरुडा से अधिकारो नास्ति कह दिया। जो सोम याग नहीं करेगा उसको अग्निशोमय पुरुडाश अधिकार में अधिकारी नहीं है, ये कह दिया। अनुष्ठित सोमयाग सेव, जिसने सोमयाग अनुष्ठान किया उसी यजमानस्य अग्निशोम पुरुडाश अधिकार, अग्निशोमीय पुरुडाश में अधिकार है, ऐसे विधि से मालूम हो रहा। इन दूसरी विधि कहती है तत्र यो असोमयाजी तत्कर्त्री दर्श प्रणमास्योर अग्निशोमी पुरुडाश अभावेपि कर्मण फलसांत्वं स्वीक्रियते यथा। फिर भी देखो असोमयाजी है, वो सोमयाग नहीं कर रहा, फिर भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा कृत दर्श प्रणमास का याग जिसमें अग्निशोमी पुरुडाश नहीं है फिर भी वह कर्म फल देता कि नहीं देता है, फल देता है। यथा जैसे स्वीकार कर लिया गया तथा अंतर्याग जप यो फल साधो मित्रता, अंतर्याग जप का भी फल साध, फल वो भी देते हैं, ये बात सिद्ध होता है।